हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल द न्यू गाइस आप सबका स्वागत है सो गाइस होप यू आर एंजॉइंग टूडेज वेदर बिकॉज टुडे वी हैव अ रेनी वेदर हेयर इन दिल्ली एंड आई होप आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही होंगी और मजा आ रहा होगा आपको इस मॉनसून वेदर का सो so गाइज आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ही ब्रांड के दो प्रोडक्ट्स वन इज दिस इस दिस इज बॉडी एवेन्यूज रेटिनॉल सीरम एंड दिस इज बॉडी एवेन्यूज आई क्रीम सो गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो बहुत लोग क्या करते हैं ना अभी वन दे आर इन ट्वेंटी फाइव थर्टी दे डोंट रियलाइज द फैक्ट दैट ठीक है यार अभी तो जरूरत नहीं है देखेंगे बाद में या अभी नहीं करता मैं तो कुछ नहीं यूज़ कर सकता बाद में क्या होता है ना आफ्टर फोर्टी फोर्टी फाइव देन दे स्टार्ट टू सी द रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट बलाजमा पिगमेंटेशन ये सब प्रॉब्लम्स दिखता है फिर दे फील कि यार अब कुछ करना चाहिए और उस टाइम बहुत लेट हो जाता है एंड इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट एंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो टू शो रिजल्ट सो वाइट टू

कांच का बॉटल में आता है रेटिनॉल सीरम अगेन वन क्वेश्चन रेटिनॉल सीरम क्यों अप्लाई करना चाहिए क्या होता है रेटिनॉल सीरम रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए विटामिन ए हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है विटामिन सी से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है विटामिन ए इफ इट इज यूज इन गुड प्रोपोर्शन सो दो रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए और इसको आपको क्यों लगाना चाहिए बिकॉज अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं पिगमेंटेशन मार्क है, है यहाँ पे बहुत लोगों के काला आ जाता है यहाँ पे काला आ जाता है यहाँ पे काला आ जाता है बहुत कॉमन एक चीज़ है लड़कों के मामले में बहुत ज़्यादा होता है हम लोग ज़्यादा नहीं यू you नो know, सोचते इसके बारे में हम सोचते हैं यार हो रहा है हो रहा है ठीक हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा बट ऐसा नहीं है आपको इसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये अगर आपको है तो आपको क्रीम्स लगाना शुरू कर देना चाहिए और रेटिनॉल सीरम अगर आप लगाते हैं तो ये जल्दी फेड आउट होने के चांसेस हो जाते हैं इफ यू आर अंडर लाइक 25 टू 30 रिंकल्स बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम होता है लड़कों को स्पेशली कि रिंकल्स बहुत आते हैं यहां पे आपके सबसे पहले रिंकल्स आ जाएंगे यहां पे रिंकल्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा यहां पे रिंकल्स आ जाएंगे क्यों हो रहा है बिकॉज आपके कोलाजन प्रोडक्शन कम हो रहा है सो यू हैव टू यूज सर्टन प्रोडक्ट्स विच हेल्प्स यू फॉर कोलाजन प्रोडक्शन जैसे ये वाला जो क्रेटिनॉल सीरम है इट हेल्प्स फॉर कोलाजन प्रोडक्शन ऑल्सो उससे क्या होता है आपका स्किन टाइट होता है आपका जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको कम करता है आपका मिलाजमा है या फिर आपको हाइपर पिगमेंटेशन कालापन है कुछ भी है आपके चेहरे पे वो आपका कम हो जाता है कौन से एज ग्रुप को लगाना चाहिए अगर आप 25 प्लस हैं आपको ये सीरम लगाना चाहिए अगर आप 20 से नीचे हैं तो प्लीज़ डोंट अप्लाई दिस सीरम बिकॉज उस टाइम आपका जो कोलाजन होता है वो बहुत इंटैक्ट रहता है और आपका स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है बट अगर आप आ, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपको अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं और कोई क्रीम लगा रहे हैं तो आपको ये वाला रेटिनॉल सीरम अलग से लगाने की जरूरत नहीं होता है बिकॉज जो प्रेस्क्रिप्शन में आपको मिलता है जो प्रोडक्ट उसमें रेटेनॉल ऑलरेडी होता है तो अलग से आपको रेटेनॉल सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं है बट एवरी बन जिस जो एक्ने पिंपल से थोड़ा मोड़ा परेशान है या फिर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन ऑल्सो यू कैन बाई दिस रेटेनॉल सीरम और ये जो बॉडी एवेन्यू का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इसमें कोई भी केमिकल नहीं है नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना हुआ है और बहुत ही बहुत अच्छा एक है सीरम बिकॉज इसमें ग्लूताथायन एंड हाइलॉनिक एसिड भी है विच ग्लूताथायन को बहुत ज़्यादा हम लोग गोरेपन मतलब फेयर करने के लिए हम मार्केट में बहुत सारे ग्लूताथायन के चीज़ें मिलती हैं सोप में होता है ग्लूताथायन क्रीम्स में होता है ग्लोताथायन ग्लोथायोन से बहुत ज़्यादा इंजेक्शन भी होते हैं ग्लूथाथायन के इंजेक्शन से इंसर्ट करके आपको यू you नो know, गोरे गोरापन भी आता है सो इट इज़ वेर प्रूवन थिंग विच इज़ दैट इफ यू यूज़ ग्लूटाथायन यू विल गेट अ न पॉइंट फेयर स्किन दैन यू हैव ऑलरेडी प्लस इसमें हाइलेट्रॉनिक एसिड है जो आपके स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखता है तो इट हैज ऑल्सो रिटर्न यंगर ब्राइटर एंड क्लियर सो गाइज ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस है ट्वेल्व नाइन्टी नाइन बट यू विल गेट इट अराउंड फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड रुपीज इफ यू बाइट फ्राम एमेजॉन एंड दिस क्री दिस सीरम लुक्स लाइक दी मैं थोड़ा सा वो दिखा दूँ यह एक ड्रॉपर में आता है और कि, कितना लगाना है आपको देखिए ये आपको ज्यादा नहीं लगाना है आपको ऐसे लेके एक यहां एक यहां और यहां लगा के और ऐसे जैसे आप कोई भी यू you नो know, लगाते हैं मॉइस्चराइजर ऐसे ऐसे करके पैट करके पैट करके छोड़ दीजिए यह आपको रात को एक बार लगाना है यूसेज के बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो रेटिनॉल एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है तो रेटिनॉल पहले आपको हफ्ते में दो बार लगाना चाहिए फिर जब आपको लगे कि नहीं अब ठीक है रेटिनॉल लगा के आपको कोई भी रेडनेस नहीं हुआ है तो सेकेंड टाइम आपको हफ्ते में तीन बार लगाना चाहिए सो यू नो ऐसे करके इंक्रीज करना चाहिए डोंट अप्लाई दिस सीरम एवरी डे बिकॉज ये थोड़ा सा यू you नो know, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज आपके जल्दी डार्क स्पॉट्स और एक्ने कम हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे लगाना शुरू करना चाहिए पहले दो दिन फिर तीन दिन ऐसे करके आपको इंक्रीज करना चाहिए बट आई एम डैम श्योर कि आपके जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है रिंकल के प्रॉब्लम है जो डार्क स्पॉट्स के प्रॉब्लम है इस सीरम से बहुत हद तक कम हो जाएगा आई एम यूजिंग इट बाई माई सेल्फ एंड आई कैन सी द रिजल्ट आई रियली वॉन्ट यू टू ऑल्सो गेट द रिजल्ट बहुत लोग बोलते हैं कि क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए मिलाजमा के लिए ब्लेमिशेस के लिए दिस इज द क्रीम फॉर यू सो वैसा बात करते हैं बॉडी एवेन्यू का अंडर आई क्रीम अंडर आई क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज हमारे स्लीपिंग पैटर्न बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं आज के डेट में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बिकॉज एवरी आउट होम यू नो हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं हम अमेजन प्राइम पे मूवी देखते हैं हम टी वी पर देखते हैं हम रात को देर तक जागते हैं तो इसके वजह से लड़का हो लड़की हो हर एक को डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम आते हैं फाइन लाइन्स के प्रॉब्लम आते हैं तो इन सबको दूर करने के लिए यू शुड ट्राई एन अंडर आई क्रीम प्लीज़ ऑल द मैन वॉचिंग देयर शुड ट्राई अंडर आई क्रीम बॉडी एवेन्यू का अंडर आई क्रीम बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है इसका प्राइस है सिक्स नाइन्टी नाइन रुपीज और यह आपको एमेजोन पर बिल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अगर यू वॉन्ट टू बाई यू शुड बाई इट सो गाइज अब अगर इसके बॉटल के पैकेजिंग की बात करें तो इसका अगेन कांच के बॉटल में आता है इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी केमिकल या फिर पैराबिन एस एल एस नहीं है तो यू कैन गो फॉर इट इन एनी मैनर एंड अगर ये अंदर से ये देखिए ये एक वाइट कलर का वो आता है देखिए कैसे लगाना है इसको इसको आपको रात को सोने से पहले लगाना है बहुत ही धीर बहुत ही कम क्वांटिटी में इतना क्वांटिटी में आपको लगा के यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे ऐसे लगा के ये पोर्शन आपको थोड़ा मसाज करना है हाथ से और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मसाज कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर भी थोड़े थोड़े फाइन लाइन्स हो आ जाते हैं तो मसाज करके आप सो जाइए आई थिंक विद इन अ वीक यू विल सी चेंजेस यू विल नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ बहुत लोगों के क्या मोटे मोटे भी हो जाते हैं अंडर आई में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा प्लस आपका प्लेन दिखेगा अंडर आई डार्कनेस कम हो जाएगा अंडर आई पे एंड ग्लोइंग स्किन क्योंकि इवन टोन लगेगा ना आपका स्किन सो गाइज आई होप आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे एंड आई रियली वट यू टू बाई एंड स्टार्ट अपलाइंग दिस क्रीम्स बिकॉज इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन बहुत लोग ना बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट दिखे ये इतनी जल्दबाजी नहीं चाहिए बिकॉज ये सब चीज़ें थोड़े दिनों बाद आपको रिजल्ट दिखेंगी आप इसको यूज करिए ये थर्टी एम का बॉटल है आप इसको यूज करिए फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ उसके बाद आप देखिए गए अपने ज... नो चेहरे पे चेंजेस सेम हेयर अंडर आई क्रीम भी आपको एक दिन में आपने लगाया और नेक्स्ट डे आप उठ के देखेंगे डार्क सर्कल्स चले गए हैं ऐसा नहीं होगा इट विल टेक टाइम सो प्लीज टेक टाइम बी पेशेंट एंड अप्लाई दिस प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा इफ यू हैव लाइक इट प्लीज एक लाइक like बटन है उसको लाइक like कर दीजिए एंड इफ यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच